पहला सेंटेंस है अंग्रेज भारत आए, इसका ट्रांसलेशन बनाना है, लेकिन ट्रांसलेशन आइडिया का करना होता है, जैसे कि मैं अपने पहले के वीडियो में बताता आया हूँ कि आइडिया को ट्रांसलेट करना है यहाँ पे। तो आइडिया क्या है कि कोई बात यहाँ हुआ है और उस बात को पहचानना है। तो बात कौन से शब्द से बात पता चलता है, काम से, काम इसमें ढूंढना है तो उस शब्द को ढूंढना है। यहाँ पे तीन शब्द हैं, अंग्रेज भारत आए, इसमें सबसे ज़रूरी शब्द क्या है, मैंने आपको पहले बताया है कि ज़रूरी शब्द क्या होता है, काम होता है, काम से होता है बात। तो ये बात बना हुआ है कौन से शब्द से, तो ये बात बना हुआ है आए, ये शब्द से, आने का काम है। कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे, आने का काम हो रहा है। अब आने का काम जो है वो किस समय में हो रहा है, ये समय भी बताएगा कौन, ये समय का भी जानकारी देगा यही आए। तो हिंदी भाषा में हमें पता है कि जब क्रिया आ ई ए में अंत करता है तो वो पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल का बात होता है। यहाँ पे भूतकाल में पता चल रहा है कि आने का काम कब हुआ, पास्ट में हुआ, पीछे किसी भी समय पे वो घटना घटी। तो आए, तो कौन आए, आने वाला व्यक्ति के बारे में जानना है, आने वाला व्यक्ति जो भी होगा वो सब्जेक्ट होगा, तो कौन आए भाई, तो यहाँ पे अंग्रेज आए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, अंग्रेज है। अच्छा कहाँ आए, आए तो कहाँ आए, आने का जगह, तो यहाँ पे जगह जो दिया हुआ है वो भारत लिखा हुआ है। तब अब इसका अंग्रेज़ी हम लोग जब बनाएंगे तो अंग्रेज़ी बनाने के लिए हम लोगों को समझना है कि ये कौन सा टेंस में आता है अंग्रेज़ी के नियम के अनुसार। तो ये कौन सा टेंस में आएगा, ये आएगा सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस का वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, आप आई बटन में, यहाँ आई कार्ड में मैंने दिया हुआ है, उसको आप उसको देखें, वहाँ पर सिंपल पास्ट के बारे में डिटेल में मैंने जानकारी दिया है। फिर भी अगर आपको यहाँ पर समझने में दिक्कत होगा तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो भारत, अंग्रेज भारत आए, इसमें सबसे ज़रूरी शब्द है आना। तो यहाँ पे आना का अंग्रेज़ी आना, तो इसका अंग्रेज़ी होता है टू कम। लेकिन जब हम इसका प्रयोग करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में तो हम लोगों को इसमें वर्ब टू का प्रयोग करना है, तो जो कि होता है केम। चूँकि यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक सेंटेंस है, यहाँ पे हम लोगों को सकारात्मक बात बताना है, तो यहाँ पे हम लोग केम का प्रयोग करेंगे। लेकिन कौन सब्जेक्ट है, अंग्रेज, तो अंग्रेज को हम लोग जब बोलेंगे तो इंग्लिश होगा उसका दी इंग्लिश, दी इंग्लिश, अंग्रेज। क्या किया उन्होंने, आए तो केम, और कहाँ आए तो भारत आए। तो भारत हम लोग यहाँ डायरेक्ट अब नहीं लिख सकते हैं, भारत क्या है, इंडिया, इंडिया क्या है, एक नाउन है। अगर हम सिर्फ डायरेक्ट इंडिया लिखते हैं तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश के नियम के अनुसार कहा जाता है कि आपको यहाँ पे केम मैंने आए तो कहाँ आए, तो वो काम का जगह के बारे में पूछ रहा है, और क्रिया का विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। तो अगर हम सीधा सीधे इंडिया लिख दें भारत के लिए तो वो गलत होगा, क्योंकि इंडिया एक नाउन है इंग्लिश भाषा के अनुसार, तो हमको यहाँ पे एडवर्ब देना है, वो भी प्लेस एडवर्ब। तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि किसी भी नाउन को अगर हमको एडवर्ब बनाना है तो उसके पहले प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो प्रीपोजिशन यहाँ पे नियरनेस की बताने वाला जो प्रीपोजिशन होता है वो टू होता है। तो हम यहाँ पे इंडिया डायरेक्ट ना करते हुए यहाँ पे करेंगे हम लोग टू इंडिया, टू इंडिया। तो यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब, और ये हो गया उसका प्लेस, प्लेस ऑफ द एक्शन। व्हाट इज द प्लेस ऑफ द एक्शन, प्लेस क्या है कम केम का, तो इंडिया है। लेकिन इंडिया हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं, इंग्लिश के रूल के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेस एडवर्ब देना है। तो एडवर्ब जो है वो टू इंडिया करेंगे तो होगा, मैंने समझाया आपको। तो द इंग्लिश केम टू इंडिया, फर्स्ट सेंटेंस आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है। और दूसरा सेंटेंस अब हम लोग देखेंगे कि उन लोगों ने भारत को देखा और उसकी स्थिति को समझा। तो यहाँ पे दो वाक्य का समूह है ये
सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये दो सिंपल सेंटेंसेस का सेंटेंसेस का ये ग्रुप है। तो यहाँ पे दो वाक्य का समूह है, तो इसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ये सेंटेंस जो है जुड़ा हुआ है, दो सेंटेंसेस इसमें हैं। उन लोगों ने भारत को देखा, एक वाक्य है, दूसरा वाक्य है उसकी स्थिति को समझा, ठीक है। तो यहाँ पे करने वाले जो सब्जेक्ट हैं वो उन लोगों ने ही है। सब्जेक्ट दोनों वाक्य का एक ही है, सब्जेक्ट जो है दोनों वाक्य का क्या होगा, उन लोगों ने ही देखा और उन लोगों ने ही समझा। यहाँ पे दो काम हो रहा है, एक हो रहा है देखने का और दूसरा हो रहा है समझने का, और दोनों काम को करने वाले व्यक्ति कौन है, उन लोगों ने। तो उन लोगों ने यहाँ पे क्या है, तो पहले के वाक्य के हिसाब से क्रम में है, या सीरियल वाइज है, कहानी के तौर पर है, आप देख सकते हैं। तो अंग्रेज़ को यहाँ पे उन लोगों ने बोला जा रहा है। तो अंग्रेज़ क्या हुआ इंग्लिश में, इसका दी इंग्लिश हुआ। हम लोग इसको दी इंग्लिश पढ़ेंगे, द इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि रूल है, मैं उसको भी बताता हूँ आपको, कि इंग्लिश के वर्ड में, कोई भी वर्ड में अगर स्वर ध्वनि मिलता है, स्वर बने क्या, अ आ ई ई उ ए ओ अं अ, ये सब हिंदी भाषा में स्वर है। तो स्वर ध्वनि अगर मिलता है तो उसके पहले अगर द है तो उसको द न पढ़ के दी पढ़ा जाता है। ये मैंने आपको जानकारी दिया। तो यहाँ पे दी इंग्लिश पढ़ेंगे इसको, तो दी इंग्लिश यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, अंग्रेज लोगों के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ कह रहे हैं उन लोगों ने, तो उन लोगों ने क्या है, एक प्रोनाउन हो गया नाम के बदले। अब अंग्रेजी जो है नाम है इंग्लिश, उसके बदले हम लोग कौन सा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, उन लोगों ने। तो यहाँ पे प्लूरल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट दे करेंगे। अब यहाँ दे हो गया, सब्जेक्ट हमारा मिल चुका है। अब यहाँ पे दो काम हुआ है, एक देखने का और एक समझने का। तो पहला काम को हम लोग करेंगे यहाँ पे देखा, तो देखने का इंग्लिश क्या होता है, देखने का टू सी। तो टू सी का यहाँ पे वर्ब टू करना, चूंकि ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, तो टू सी का यहाँ पे हम लोग वर्ब टू करेंगे, तो वो क्या होगा, सॉ। दे सॉ, उन लोगों ने देखा। अच्छा, देखा तो क्या देखा, यहाँ पे कुछ और भी शब्द इससे जुड़ा हुआ है। देखा तो क्या देखा, तो भारत को देखा। तो यहाँ पे क्या है, देखने का काम जिस पर हुआ वो डायरेक्ट आएगा और कुछ भी नहीं होगा। जो हिंदी के हिसाब से इंग्लिश करते हैं रूप को देखते हुए, तो वहाँ पे वो अक्सर मैं जब पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट मेरे पूछते हैं कि सर यहाँ को के लिए अंग्रेजी क्या होगा, तो वहाँ को के लिए अंग्रेजी ऐसा है इंग्लिश भाषा में, वो उसके हिसाब से नहीं होता है। अंग्रेजी भाषा में जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो वो अंग्रेजी का नियम के अनुसार से ट्रांसलेशन बनेगा। अंग्रेजी का नियम अलग है, हिंदी भाषा में जो नियम है वो उसमें लागू होता है, जो इंग्लिश भाषा का अपना नियम है, तो उसके हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे दे सॉ, उन लोगों ने देखा, तो क्या देखा, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो देखने का काम अगर जिस चीज़ पर होगा तो वो उस देखने का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या देखा, तो भारत को देखा। तो भारत यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मैंने समझाया पहले भी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। तो भारत यानी कि इंडिया इंग्लिश में वो पहले से ही नाउन है, तो यहाँ पे हम लोग को सीधा नाउन को सप्लाई करना है। तो दे सॉ इंडिया, ये पहला पार्ट यहाँ हो चुका है, उन लोगों ने भारत को देखा, दे सॉ इंडिया। अब दूसरा पार्ट, ये जोड़ने वाला शब्द, ये और जो है वो जोड़ने वाला शब्द है, उसका अंग्रेजी हम लोग यहाँ पे करेंगे तो एंड होगा, सबको पता है, बहुत कॉमन वर्ड है। उसकी स्थिति को समझा, दूसरा काम है यहाँ पे समझने का। तो समझना पे सीधे जाना है, उसकी स्थिति को छोड़कर समझना पे जाना है। तो समझा, तो समझने का इंग्लिश होता है टू अंडरस्टैंड, लेकिन यहाँ पे चूंकि पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो टू अंडरस्टैंड का वर्ब टू होता है अंडरस्टूड, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे अंडरस्टूड। अब अंडरस्टूड है तो अंडरस्टूड, तो समझा तो क्या समझा, क्या समझा, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि समझा क्या, तो उसकी स्थिति को समझा। तो समझा क्या है, स्थिति को।
स्थिति को समझा है, लेकिन खास स्थिति है उसकी स्थिति को, किसकी स्थिति को, भारत की स्थिति को। यहाँ पे उसकी स्थिति मैंने किसकी स्थिति को समझ रहा है, पहले यहाँ पे बताया उन लोगों ने भारत को देखा और उसकी स्थिति को समझा, तो यहाँ पे उसकी किसको बोला जा रहा है, भारत के लिए बोला जा रहा है। तो भारत क्या है, एक देश है, हमारा देश है, तो ये पुरुष स्त्री में नहीं है, तो इसके लिए उसकी क्या जो अंग्रेजी होगा वो यहाँ पे इट्स हो जाएगा, इट्स है। तो दे सॉ इंडिया एंड अंडरस्टूड इट्स, इस उसकी के लिए। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट लोग पूछते हैं कि सर उसकी के लिए तो हर होना चाहिए स्त्री के लिए, हर या हिज में से, तो अक्सर ये गलती करते हैं। तो यहाँ पे देखना ये होता है कि ये उसकी स्थिति जो है वो किसके लिए आ रहा है, मैंने कौन सा जो नाउन है उसके लिए आ रहा है। तो यहाँ पे जो भारत है, भारत के लिए उसकी आ रहा है, तो उसकी यहाँ पे क्या करेंगे, ना ये स्त्री है ना पुरुष है भारत। तो हिंदी भाषा में स्त्री पुरुष हर नाउन जो है स्त्री पुरुष होता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे चीज़ें जो होती हैं, देश का नाम हो या कोई भी चीज़ें होती हो, उसको हम लोगों को न्यूट्रल जेंडर में रखना पड़ता है। न्यूट्रल जेंडर मतलब होता है नपुंसक लिंग, जिसमें कोई स्त्री नहीं पुरुष नहीं, उस नपुंसक चीज़ें, तो देश का नाम उसी में आता है। तो उसकी यहाँ पे हम लोग करेंगे, तो यहाँ इसके लिए होगा इट्स। अब इसकी स्थिति को, तो इट्स स्थिति का इंग्लिश क्या होता है, सिचुएशन होता है, कंडीशन होता है, तो यहाँ पर हम लोग इट्स कंडीशन कर देते हैं, ठीक है। उन लोगों ने भारत को देखा, दे सॉ इंडिया, और एंड अंडरस्टूड, समझा, अंडरस्टूड क्या समझा, इट्स कंडीशन, इसके स्थिति को। तो इंग्लिश इस प्रकार से बनता है। आप शब्दों का जो अरेंजमेंट है वो हिंदी भाषा में जिस प्रकार से है वो इंग्लिश भाषा में उस प्रकार से नहीं होता है। तो यहाँ पे समझना है, हिंदी और अंग्रेजी दो अलग अलग भाषाएं हैं, तो वहाँ हिंदी में जो नियम चलता है वो अंग्रेजी में हो सकता है कि वो नियम मिल जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो हिंदी में जो नियम है वो अंग्रेजी में भी हो। तो यहाँ पे हम लोगों को जब इंग्लिश करना है तो इंग्लिश के नियम के अनुसार ही चलना है। हिंदी में जो है वो ठीक है, अगर उसका नियम मिलता जुलता है तो अंग्रेजी से कोई अच्छे गलत नहीं है, लेकिन हम लोगों को ध्यान क्या देना है कि अंग्रेजी का जो नियम है शब्दों को बैठाने का, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, उस नियम के अनुसार से हम लोग इंग्लिश करेंगे। ये मैंने हिंदी एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिखा हुआ है उसको इंग्लिश कराने के लिए, ताकि अच्छे से, ज़्यादा अच्छे से समझ में आए आपको, मेरे ऑडियंस को। तो यहाँ पे हिंदी के हिसाब से मैं ये यहाँ पे इंग्लिश सेंटेंस लिख सकता था डायरेक्ट, और इंग्लिश सेंटेंस से भी आपको समझा सकता था सारे चीज़ को, इंग्लिश का रूल रेगुलेशन, लेकिन हिंदी भाषा से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हिंदी भाषा हमारा अब मातृभाषा और हम लोग अच्छे से इसको जानते हैं, तो उसमें समझना आसान होता है। तो अगला सेंटेंस हम लोग लेते हैं, वे शासन करना चाहते थे। अब यहाँ पे इस वाक्य में अंग्रेज को उन लोगों ने बोला गया है, लेकिन यहाँ तीसरे वाक्य में अंग्रेजों को यहाँ वे बोला गया, तो यहाँ भी वही प्रोनाउन है, नाउन के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। अंग्रेजों को ही यहाँ पे उन लोगों ने बोला गया है, अंग्रेज को ही यहाँ पे वे बोला गया है। तो यहाँ पे प्रोनाउन जब होता है प्लूरल, नाउन के बदले जब प्रोनाउन होता है, सर्वनाम होता है, उसको हम लोग दे करते हैं, तो यहाँ भी हम लोग दे करेंगे सब्जेक्ट के तौर। तो यहाँ पे देखेंगे कि वे, इनका काम क्या है, चाहते थे, वे क्या करते, चाहते थे, तो उनका काम है चाहने का। तो यहाँ पे और एक काम है, दो काम यहाँ हो रहा है, चाहते थे, लेकिन क्या चाहते थे, तो शासन करना चाहते थे, लेकिन दो काम में से एक काम ही है जो कि टेंस का परिचय कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे शासन करना से किसी टेंस का पता नहीं चलता है, शासन करना से किसी समय का प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर ये पता नहीं चलता है, तो कौन सा वर्ब है जो कि समय बता रहा है, तो यहाँ पे चाहते थे, इससे पता चल रहा है पास्ट टेंस का, तो यही मेन वर्ब होगा, यही वर्ब जो है जो टेंस का परिचय कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वो वर्ब होगा। तो यहाँ पे चाहते थे, तो यहाँ पे चाहना का अंग्रेजी क्या होता है, टू वांट होता है, लेकिन यहाँ चूंकि पास्ट टेंस है, इस पास्ट टेंस में वर्ब टू का प्रयोग होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वांट का वर्ब टू वांटेड, तो यहाँ हो जाएगा दे वांटेड, वे लोग चाहते थे या वे चाहते थे, क्या चाहते थे, तो चाहते थे वो काम आ रहा है,
तो वो काम यहाँ पे जब लिखेंगे तो शासन करना, तो शासन करना का इंग्लिश होता है टू रूल, तो यहाँ पे हूबहू हम लोग टू रूल लिख देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि चाहते थे, तो क्या चाहते थे? जो चीज़ का चाहत होगा वो चाहने का ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब आ रहा है। लेकिन वर्ब जब आ रहा है तो उसको हिंदी में बोलते हैं काम। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे नाउन का ज़रूरत है तो हम लोग काम दे रहे हैं, वर्ब दे रहे हैं, तो ये एक नाउन भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टू रूल जो यहाँ पे मैंने लिखा है ये वर्ब भी है और नाउन भी है। इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव जो है वो डबल रोल में होता है, वर्ब भी होता है नाउन भी होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दे वांटेड चाहते थे, वे चाहते थे, क्या चाहते थे? तो जो चीज़ चाहते थे वो यहाँ पे आएगा और वो एक काम है, लेकिन यहाँ पे ये वांटेड का ऑब्जेक्ट के रूप में है। इट मीन्स इट इज़ ए नाउन हियर इन दिस प्लेस, इट इज़ ए नाउन। ये इस जगह पे ये नाउन की तरह है। तो दे वांटेड टू रूल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। उन लोगों ने यहाँ एक कंपनी खोली, तो उन लोगों ने फिर से अंग्रेज़ों के लिए ही प्रोनाउन यहाँ पे क्या होगा? दे। अब उनका काम क्या है? खोली। तो खोलना का क्या होता है? ओपन हो, टू ओपन होता है, लेकिन चूंकि कंपनी खोली तो कंपनी जब खोलते हैं तो उसको इंग्लिश में टू एस्टैब्लिश कहते हैं। तो टू एस्टैब्लिश का प्रयोग करेंगे, लेकिन चूंकि ये पास्ट टेंस है तो हम लोग को एस्टैब्लिश्ड करना पड़ेगा वर्ब टू। तो दे एस्टैब्लिश्ड, ESTABLISHED, दे एस्टैब्लिश्ड ए कंपनी। और क्या खोली? एक कंपनी। तो ए कंपनी, और कहाँ खोली भाई? जगह क्या है इस काम का, कंपनी खोलने का जगह क्या? यहाँ। तो यहाँ का अंग्रेजी क्या होता है? हियर। ये क्या हियर क्या है? तो उस काम का जगह है जिसको हम लोग प्लेस एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ काम क्या? एस्टैब्लिश्ड, खोलने का, कंपनी खोलने का जगह क्या है? तो यहाँ। तो हियर क्या है? प्लेस एडवर्ब। अगला सेंटेंस, उन लोगों ने भारत की एकता को तोड़ा। उन लोगों ने, फिर से सब्जेक्ट वही है, उन लोगों ने, तो दे। अब यहाँ काम क्या है? तोड़ने का। तोड़ना का इंग्लिश क्या होता है? टू ब्रेक, लेकिन यहाँ पे कौन सा वर्ब प्रयोग होगा? वर्ब टू। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ब्रेक का वर्ब टू, ब्रोक। तो दे ब्रोक, अरे तोड़ा। तो क्या तोड़ा? तो एकता को तोड़ा, एकता को तोड़ा, लेकिन खास तरह का एकता है यहाँ पे। एकता का यूनिटी होता है, लेकिन ये खास तरह का है। कैसे पता चल रहा है कि खास तरह का एकता है? क्योंकि भारत की एकता, कोई खास जगह का एकता, भारत की एकता। तो यहाँ पे यूनिटी होगा, लेकिन जब ये खास किसी नाउन को दर्शाया जाता है तो इंग्लिश में उसके लिए आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे यूनिटी सिर्फ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे दी यूनिटी, सॉरी द यूनिटी। यहाँ पे द पढ़ेंगे क्योंकि यो का उच्चारण होता है यूनिटी। तो दे ब्रोक द यूनिटी ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए, दे ब्रोक, उन लोगों ने तोड़ा। क्या तोड़ा? तो तोड़ा क्या? एकता को। तो द यूनिटी ऑफ इंडिया, भारत ने भारत की एकता को तोड़ा। दे ब्रोक द यूनिटी ऑफ इंडिया, ये हो गया। अब उन्होंने हमें छोटे छोटे खंडों में बांट दिया। तो फिर से यहाँ सब्जेक्ट वही है, उन्होंने, तो हम लोग इसको करेंगे दे, और बांट दिया। यहाँ काम क्या है उनका? बांटना। तो बांटने का क्या होता है? बांटने का डिवाइड, टू डिवाइड होता है, लेकिन डिवाइड का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? डिवाइडेड। तो हम लोग करेंगे दे डिवाइडेड, दे डिवाइडेड। बांट दिया तो किसको बांट दिया भाई? तो हमें बांट दिया। तो हमें का यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तो हमें बांट दिया मतलब भारत के, जो भारत जितने भी लोग हैं और जितने भी जो प्रदेश हैं उनको बांट दिया। तो यहाँ पे हमें का क्या होगा? अस करेंगे हम लोग। तो दे डिवाइडेड अस, अस यहाँ पे हम लोग सब के भारतवासी को ही ले रहे हैं, प्रदेश के जितने भी हैं भारत में उसको ले रहे हैं, और जो लोग हैं इसमें अलग अलग जाति संप्रदाय के उसको यहाँ पे हमें बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसको करेंगे अस। तो यहाँ पे दे डिवाइडेड अस, और बांट दिया तो किस रूप में बांट दिया? तो छोटे छोटे खंडों में। अब छोटे छोटे खंडों में बांट दिया तो हम क्या करेंगे? तो में के लिए हम लोग करेंगे इन, और छोटे छोटे खंड, खंड का क्या होता है? स्मॉल यूनिट, सॉरी खंड का होता है यूनिट्स,
या सेक्शंस या ग्रुप्स ऐसे हम लोग करेंगे खंडों में। तो यहाँ पे दे डिवाइडेड अस इन, अब छोटे छोटे के लिए अंग्रेजी क्या होगा, स्मॉल होगा, ओनली वन स्मॉल। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, छोटे छोटे तो स्मॉल स्मॉल कर देते हैं, ऐसा नहीं। इंग्लिश में वो रूल नहीं है, इंग्लिश हिंदी में जो हो सकता है कि एक शब्द को दो बार रिपीट किया जाता है, अंग्रेजी में वो नहीं करना होता है। तो दे डिवाइडेड अस इन स्मॉल यूनिट्स, खंड के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूनिट्स करेंगे, या फिर दूसरे शब्द भी कर सकते हैं, सेक्शंस या ग्रुप्स कर सकते हैं। तो दे डिवाइडेड अस इन स्मॉल यूनिट्स। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अंग्रेज भारत आए, द इंग्लिश केम टू इंडिया फर्स्ट, उन लोगों ने भारत को देखा और उसकी स्थिति को समझा। दे सॉ इंडिया एंड अंडरस्टूड इट्स कंडीशन। अगला है वे शासन करना चाहते थे, दे वॉन्टेड टू रूल। अगला है उन लोगों ने यहाँ एक और कंपनी, यहाँ उन लोगों ने यहाँ एक कंपनी खोली, दे एस्टैब्लिश्ड ए कंपनी हियर। उन लोगों ने भारत की एकता को तोड़ा, दे ब्रोक द यूनिटी ऑफ इंडिया। उन्होंने हमें छोटे छोटे खंडों में बांट दिया, दे डिवाइडेड अस इन स्मॉल यूनिट्स।